नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। और एक खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां अतरौलिया में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती। बता दें कि पूरे देश में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुख्य अतिथि गोपीनाथ वर्मा, पूर्व मंत्री तथा बलराम यादव पूर्व मंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम सरदार पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री तथा महासचिव बलराम यादव भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री गोपीनाथ वर्मा ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि आज पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में ब्लॉकों में सरदार पटेल जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रही है। आइए सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री गोपीनाथ वर्मा ने क्या कुछ कहा। आज पूरे देश में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन जयंती मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में और सभी ब्लॉकों सभी जो जहां भी सुविधा है वहां सरदार पटेल जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सरदार पटेल जी पूरे देश के नेता जो थे ही किसानों दलितों मजदूरों के नेता थे और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उस योगदान से देश जो है अखंड भारत के रूप में आया। उसमें उसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। ये जरूर है कि जो आज समाज आज की जो स्थिति है उस स्थिति में सरदार पटेल जी नहीं रहे और सरदार पटेल जी ने भारत की सेवा किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज पूरा देश उनको मेले के रूप में संपन्न करके जयंती मना रहा है और हमारे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में सभी जिला ब्लॉक और सब मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समाजवादी पार्टी पर अपना कार्यक्रम किए हैं। हम सभी साथियों को जो सरदार पटेल जी के जयंती में शामिल हो रहे कार्यक्रम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारे बीच में हमारे नेता पूर्वांचल के बहुत उच्च नेता विकास पुरुष आरण्य श्री बलराम यादव जी पूर्व मंत्री जी इनका योगदान है और आज बड़े बहादुरी से बड़े मजबूती से जयंती को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको इनके सभी साथियों को नेताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम बड़ी मजबूती से देश के अंदर एकता करेंगे, पिछड़ी जाति और मजलूमों को एक साथ करके एक नया भारत बनाने काम करेंगे। ये सही है कि सरदार पटेल जी के साथ अन्याय हुआ। आज़ादी के बाद जब देश में सरकार बननी थी तो दो